तो so फाउंडेशन ए रश्मि डोंट डिस्टर्ब मी आर सो हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं फेयरवेल वाला मेकअप लुक आप सबको पता है कि फेयरवेल दिन पर दिन पास आने वाली है आई थिंक फेब में ही सबके फेयरवेल होते हैं एंड मैंने सोचा उसके लिए आज हम क्रिएट करने वाले हैं एकजी वाला मेकअप लुक और इसमें मैं आपको बताती रहूंगी कि आपको फेयरवेल में क्या करना हो या क्या नहीं करना आपको कैसे सारीस पहनना है और कैसे नहीं तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग और टाइम और गर्ल्स आर रियली वेरी एक्साइटेड फॉर फेयरवे मुझे बहुत मुझे भी पता है क्योंकि आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम हू वॉज रियरली एक्साइटेड जब मैं टेंथ में थी आई जस्ट कम्प्लीट माई टेंथ इन बेंगलोर सो उधर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी फॉर वेयरिंग अ साड़ी एंड मैंने यही साड़ी पहना था आई स्टिल रिमेंबर दिस सारी मेरे को बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट मिली थी ओके सो विदाउट वेस्टिंग अस टाइम लेट स्टार्ट आ वीडियो एंड तो so, so, मैं अभी चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस तरह की सारी बिल्कुल नहीं पहननी आपके फेयरवेल में ठीक है अगर आप इस वाली ऐसी सारी पहनते हो आपके फेयरवेल में वो शादी वाली वाइब आ जाएगी आपको ऐसी सारी नहीं पहननी आपको एस सिंपल ऐसी साड़ी पहन सकते हो कुछ ऐसा पहन सकते हो प्लेन एंड जो थोड़ी हल्की फुल्की डिज़ाइन यहाँ पर है आपके ब्लाउज भी आप डिज़ाइनर बना सकते हो बट आपको थोड़ा डिसेंट में बनाना पड़ेगा ठीक है क्योंकि वो कॉलेज है स्कूल से और देन यू हैव टू बी डिसेंट अनफ ठीक है तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड अभी हम मेकअप पे मेकअप शुरू करेंगे लेट्स द वीडियो भी अपना वीडियो शुरू करते हैं तो मैं आपको पहले बता दूं मैं बहुत बेसिक मेकअप यूज़ करने वाली हूँ इसमें क्योंकि मुझे पता है जब हम लोग टेंथ और ट्वेल्थ में रहते हैं हमारे पास उतने ज़्यादा मेकअप नहीं होते बहुत लोग इज़ नॉट अ मेकअप पर्सन जस्ट लाइक मी आई वो जब मैं टेंथ में थी तो वे रियली आई वॉज नॉट अ मेकअप पर्सन मैं कुछ भी नहीं लगाती थी मैं एक मॉइस्चराइजर लगाती थी और चली जाती थी एंड लाइक लिटरली मैं कुछ भी नहीं करती थी बट लॉकडाउन के बाद मैंने बहुत चीज़ शुरू किया था मैंने यूट्यूब शुरू किया इंस्टा खोला बहुत बहुत सारी चीज़ें किए थे मैंने लॉकडाउन के बाद आई थिंक लॉकडाउन में नहीं किया था लॉकडाउन के बाद शुरू किया था मैंने तो फिर मैंने चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू की धीरे धीरे तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया मेकअप में मुझे बहुत अच्छा ही लगने लगा तो लाइक आई स्टार्टर ऑफ डूइंग दिस ओके तो अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना मेकअप शुरू करते हैं तो मैं आपको बताती रहूँगी जो आपको करना है अपने फेयल के दिन और जो आपको नहीं करना है ठीक है तो पहले हम अपना आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप करना ठीक है तभी आपकी फाउंडेशन अच्छे से फ्लॉलेस रहेगी अपनी स्किन पर अच्छे से सूट हो जाएगी अगर आपको मेरे जैसे थोड़े एक्ने पिम्पल्स आप हैं आपके स्किन में तो आपको ज़रूर ही करना पड़ेगा आपका स्किन केयर तो चलो पहले जल्दी से शुरू करते हैं ठीक है थीके? तो पहले यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ टोनर देन यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ दस निविया का मॉइस्चराइजर लिपस्टिक यहाँ पे लग गई है मैं लिपस्टिक के एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी मैं दो तीन शेड्स बनाती थी तो लाइक like, मुझे कुछ नहीं मिलता तो आई वॉज यूजिंग दिस वन दस लैक्मी का सन एक्सपर्ट वाला सनस्क्रीम हमारा बेसिक स्किन केयर मैंने अच्छे से अपनी स्किन को प्रेप कर लिया फिर उसके बाद आपको यूज़ करना है एलोवेरा जेल अगर आपके पास प्राइमर है अगर आपके पास प्राइमर है तो आप प्राइमर यूज़ करो अगर नहीं है यू कैन यूज़ एलोवेरा जेल तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल आई एम नॉट यूजिंग प्राइमर अभी हम फाउंडेशन पे चलते हैं ठीक है थीके? तो हमारी पूरी स्किन केयर जो भी है अच्छे से हो चुकी है एंड अभी हम शुरू करते हैं जो एक्स्ट्रा बचा वो अपने हाथ में डाल लो शुरू कर रहे हैं तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं फिटमी का फाउंडेशन इन टू थर्टी शेड दिस इज माई शेड आपको आपका खुद का शेड लेना पड़ेगा यूज़ करना पड़ेगा ठीक है अदरवाइज यू कैन गो विथ ओनली कंसीलर अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग फ्लोलेस है एंड यू डोंट हैव एनी एक्ने एंड पिम्पल्स आपकी स्किन बहुत क्लियर है देन यू कैन गो विथ ओनली कंसीलर अदरवाइज यू हैव टू यूज़ फाउंडेशन इफ़ यू हैव लाइक माई स्किन ओके सो एम यूजिंग दिस वन एंड मैं अपने अपने हाथ में इसको निकाल लूँगी दो पिच एंड फिर उसके बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे अगर कर ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है brushes, <laughs> not, मतलब यूज नहीं, यू कैन यूज़ अ नॉर्मल बेसिक ब्रशेस विच इज़ नॉट मतलब मैंने इसको यूज़ नहीं किया मतलब आई यूज़ दिस वन फॉर फेस पैक्स ओके तो पहले हम इसको अच्छे से अपने फेस पे लगा लेते हैं हर जगह फाउंडेशन को ठीक है तो फेयरवेल में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना अब हम शुरू करने वाले वाली सारीज यू वेयर ओनली अ लाइट साड़ी जो प्लेन साड़ी हो आप वैसी सारी पहन सकते हो ठीक है अगर आप हैवी सारी पहनते हो ना तो मतलब वो साड़ी वाली बाइब आएगी एंड जब आप सिंपल साड़ी एंड अच्छे से मेकअप कर लोगे यू तो लुक लाइक लिटरली आपको एक खुद अच्छा लगेगा कि भाई मैं इतनी अच्छे से आई हूँ एंड कुछ वो भी नहीं है तो एक फिर तो इसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं कंसीलर तो मैं कंसीलर के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का कंसीलर मैंने आपको बोला कि आप फाउंडेशन की जगह कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छी वाली स्किन है आस कंसीलर और जहाँ आपके डार्क पोर्शन है आप उसको अप्लाई करो ठीक है तो सेकेंड थिंग जब यह आप फेयरवेल में जाओगे तो आप हैंड बैग ज़रूर कैरी करना ठीक है अभी तो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे हैंड बैग्स आ चुकी हैं मार्केट में यू कैन जस्ट टेक एंड मतलब वो बहुत अच्छी लगती है जब आप साड़ी पहनो तो आपको हैंड बैग ज़रूर लेना चाहिए मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको लेना चाहिए और अपना बेसिक चीज़ जो आपको रखना है आप रख सकते हो जैसे आप परफ्यूम रख सकते हो और यू कैन जस्ट कैरी वन लिपस्टिक क्योंकि भाई जब हम लोग खाना वाना खाते हैं तो इट बिकम मेस ओके तो आपको वो लेना है ठीक है तो गाइस इसे हमारा बेस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है नॉर्मल बेस ज़्यादा हैवी नहीं लग रहा है इट्स जस्ट लुकिंग लाइक अ माई नॉर्मल स्किन व्हाट आई हैव काइंड ऑफ सो अभी हम अपने आई पे जाने जाने वाले हैं तो अपने आई शाडो कॉनर को फिल करने वाली हूँ विथ अ बेसिक ब्राउन कलर ओके तो मेरे पास ये पैलेट में मेरे पास है वो ब्राउन कलर तो मैं इसको इधर से यूज़ करूंगी करूँगी एन दर ब्लेंड इट ठीक है सो एल बी यूजिंग ये वाली जो शेड है जो ख़त्म होने वाली है दैट वन और आपको जैसे आप अपना आइलाना लगाते हैं आपको बस वैसे ही इसको लगा देना है तो हमने इसको अच्छे से लगा दिया है नेक्स्ट हम यूजिंग हल्का सा हाईलाइटर तो मेरे पास एक हाईलाइटर है जो हम यूज़ करने वाले हैं उसको तो ये रहा मेरे पास वो पैलेट एंड इसमें है मेरे पास ये गोल्डन कलर का हाईलाइटर तो हम इसको थोड़ा सा यूज़ करेंगे अबे मैं अप्लाई करने वाली हूँ एलैन कैसे so यहाँ पे हमारा आल एनर कम्प्लीट हुआ शेडो पार्ट कंप्लीट हुआ नेक्स्ट हम अप्लाइंग ब्लश तो ब्लश के लिए यहाँ पे मैं यूज करूंगी लाइट पिंक कलर का ब्लश एंड आई एम यूजिंग दिस बेबी कलर वाला तो so, यहाँ पे हमारा आई शेडो ब्लश कंप्लीट हुआ एंड नेक्स्ट हम यूज़ करने वाले हैं लिपस्टिक तो यहाँ पे मेरे पास पीच कलर की लिपस्टिक है जिसमें मैं मिक्स करने वाली हूँ माय फेवरेट शेड आई शेडो की शेड एंड आई एम जस्ट क्रिएटिंग वन लिप शेड क्योंकि मुझे ये ये शेड मेरे ऊपर अच्छी नहीं लगती इधर आई यूजिंग नेक्स्ट समथिंग अच्छी वाली शेड यूज़ करने वाली हूँ